नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए बॉडी इज रोटेटिंग इन ए सर्कुलर पाथ, इट्स एंगुलर एक्सेलेरेशन इज, एंगुलर एक्सेलेरेशन यानी कि अल्फा हमें दे दिया कितना 60 - 2। बताना है कंसीडर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जीरो, कंसीडर करना है कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या है हमारे पास जीरो। कंसीडर क्या करना है, कंसीडर इनिशियल इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या है हमारे पास इज जीरो। ओके बताना क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एट टी इक्वल टू वन पे। फर्स्ट पार्ट में क्या बताना है हमें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताना है, क्या बताना है हमें, थीटा बताना है एट टी इक्वल टू वन पे। तो अल्फा दे रखा है तो पहले क्या निकलेगा हमारे पास, ओमेगा, इंटीग्रेट ऑफ अल्फा डीटी। तो ओमेगा क्या है, पहले एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो क्या आ जाएगी हमारे पास टी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 - 2t, यानी क्या आ जाएगा 3t² - 2t। ये ओमेगा आ गया। अगर दोबारा से इसको थीटा निकालने के लिए क्या आएगा, ओमेगा डीटी, ये क्या आ जाएगी हमारे पास 3t³ / 3 - 2t² / 2, क्या आ जाएगा t³ - t²। तो थीटा हमारे पास क्या आ गया t³ - t² एट t इक्वल टू वन पे। बताना है हमें एंगुलर t इक्वल टू वन पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बतानी है। तो थीटा क्या आ जाएगा 1³ - 1² तो क्या आ जाएगा हमारे पास जीरो। ये दैट इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या बताना है, एंगुलर वेलोसिटी एट t इक्वल टू वन पे। नेक्स्ट पार्ट में हमें बतानी है एंगुलर वेलोसिटी एट t इक्वल टू वन पे। तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी कितनी आ रही है, सेकेंड पार्ट में एंगुलर वेलोसिटी बताना है हमें, ओमेगा बताना है एट टी इक्वल टू वन पे। एंगुलर वेलोसिटी क्या है हमारे पास 3t² - 2t, तो इसमें एट टी इक्वल टू वन पुट कर देंगे तो आ जाएंगे हमारे पास आंसर, तो 3 - 1² - 2 - 1, तो 3 - 2 क्या हो गया 1 rad/s। ओके नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, एंगुलर एक्सेलेरेशन पूछा है एट टी इक्वल टू वन पे। थर्ड पार्ट में क्या है, अल्फा पूछा है हमारे पास एट टी इक्वल टू वन पे। तो ये क्या है, अल्फा दे रखा है 60 - 2, तो टी इक्वल टू वन पुट कर देंगे तो 60 × 1 - 2, तो क्या आ जाएगा 4 rad/s². That is the answer. Okay.